I will explain you about five kingdom system of classification. You know, the previous system of classification was two kingdom system, means a plant kingdom and one animal kingdom, right? But because of some problems, because of certain demerits, two kingdom system was replaced by five kingdom system of classification. These five kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. So what are the criteria of classification of these five kingdom system? It was given by R.H. Whittaker. You have to imagine that all the living organisms of this planet, all the creatures of this world are present here on this board. पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन आप ड्रॉ करते हैं, हियर यू राइट प्रोकैरियोट एंड हियर यू राइट यू कैरियोट, और आप कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो लाइन से इस साइड आ जाओ और जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो लाइन से इस साइड आ जाओ, ठीक है। तो इधर की तरफ कौन आ जाते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। उन सभी प्रोकैरियोट्स को आपने सर्कल कर दिया एंड यू नेम्ड किंगडम मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको आपने इंक्लूड कर दिया किंगडम मोनेरा में। अब इधर की तरफ जो बचते हैं वो कौन बचते हैं, ऑल यूकैरियोट्स। अब जितने भी यूकैरियोट्स हैं आप उनको फिर क्लासिफाई करते हो, अगेन यू मेक अनदर लाइन ऑफ डिवीजन एंड हियर यू कॉल ऑल यूनिसेल्युलर एंड हियर यू कॉल ऑल मल्टी सेल्युलर। यूकैरियोट यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट यूनिसेल्युलर। तो लाइन से इधर की तरफ जो आते हैं वो है यूकैरियोट यूनिसेल्युलर, और लाइन से उधर जो रह जाते हैं वो है यूकैरियोट मल्टीसेल्युलर। तो दिस ग्रुप, इसको फिर से आपने एक और किंगडम में कन्वर्ट कर दिया और इसको कहा आपने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। अब जो बाकी के बचते हैं हमारे पास वो बचते हैं मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब जो ये मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं इनसे आप इनका न्यूट्रिशन पूछते हैं, क्या आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और इसमें आप एक ग्रुप बना देते हैं कि जितने भी इनमें से ऑटोट्रॉफ हैं, ऑटोट्रॉफ इस ग्रुप के अंदर आ जाओ, बाकी के सारे हेटरोट्रॉफ। तो यहां पे कौन आ जाते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और इसको आप कह देते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। इसका मतलब ये जो बचे हुए हैं सारे के सारे वो कौन है, वो है हेटरोट्रॉफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, सही है। अब हेटरोट्रॉफ को आप फिर से डिवाइड करते हैं, कैसे, सेप्रो जोइक और होलो जोइक। सेप्रोजोइक विच एब्सॉर्ब न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, विच एब्सॉर्ब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये एक आप ग्रुप बना देते हैं सेप्रोजोइक का, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कौन बच जाते हैं, होलोजोइक। तो ये तो सेप्रोजोइक बचते हैं, यू कॉल देम किंगडम फंजाई, और ये जो ग्रुप बचता है इस ग्रुप को आप कहते हो किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन किया के प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, फिर आपने क्लासिफिकेशन किया यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, फिर आपने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ
nutrition. So in this way, five kingdoms are grouped: kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, kingdom animalia. Hope कि आपको ये system of classification clear हो गया होगा. Again.